हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज एक कंटेंट और लेकर के आया हूँ, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक वीडियो और लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमेशा मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो आज एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो और है। तो एक रेडमी का फ्रेंड्स नोट 8 है हमारे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ये हमारा रेडमी नोट 8 फ़ोन है और इसकी FRP लगी हुई है। तो हम आपको देखते हैं फ्रेंड्स कि इसकी FRP लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। ये रेडमी नोट 8 है, तो मैं आपको यहाँ पे बस दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। ये इसके कैमरे वगैरह निकले हुए हैं और मैं इसकी आपको FRP दिखाना चाहूँगा। ये रेडमी का नोट 8 है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें FRP लगी हुई कि नहीं लगी हुई। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद इंडिया, उसके बाद स्किप, एक्सेप्ट करेंगे और स्किप करेंगे और मोर, उसके बाद स्किप करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा FRP पे लगा हुआ है। गूगल सिंग इन के लिए बोल रहा है, गूगल अकाउंट सिंग इन के लिए बोल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये FRP पे लगा हुआ है, मतलब जीमेल अकाउंट अगर हम इसमें डाल देंगे जो इसमें पुराना था, तो हमारा ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो जैसे हम इसको करेंगे तो ये फिर से हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं स्मार्ट टेलीकॉम में, तो प्लीज़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम आगे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं कैसे आप इसकी FRP को इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड। जैसा कि आपने देख ही लिया है, अब हम आपको इसको लाइव करके दिखाएंगे। मेरी जो वीडियो होती है, मैं कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हमेशा कंटेंट साफ बनाता हूँ और जितना हो सकता है उतना क्लियर करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आए। तो इसलिए मैं हमेशा कंटेंट को हमेशा क्लियर रखता हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए और आप एक अच्छा काम कर पाए। तो आई होप, चलिए तो हम फटाफट यहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको इसका रेडमी नोट 8 का आपको टेस्ट पॉइंट चाहिए, क्योंकि क्वालकॉम का सीपीयू है, एडीएल पे काम करेगा। तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स इसमें रेडमी नोट 8, उसके बाद लिखेंगे टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वालकॉम का फ़ोन है, हमें इसे एडीएल मोड पे कनेक्ट करना है। एडीएल मोड पे कनेक्ट करने के लिए आपको पता ही है फ्रेंड्स कि एडीएल टेस्ट पॉइंट हमें फाइंड करना होता है। एयरटेल टेस्ट पॉइंट को हम फाइंड करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो कोई भी एक पिक मैं खोल लेता हूँ फ्रेंड्स, डीएल मोड टेस्ट पॉइंट रेडमी 8 नोट 8। तो आई होप यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए। मैं एक फ़ोटोज़ को खींच ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है एडीएल मोड 9008, इसके जो दो पॉइंट है। मैं यहाँ पे ऐसा भी करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो इसके दो पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इजली ये देखिए, यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे दिख रहे होंगे दो पॉइंट दिख रहे होंगे। ये इसके ट्विजर को आपको टच करना है और आपको टच करने के बाद यूएसबी केबल को कनेक्ट करना है। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडमी नोट 8 का ये टेस्ट पॉइंट है। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा दिया है। तो चलिए, मैं इसको UMT के थ्रू फ्रेंड्स इसके FRP हटाने वाले हैं। तो UMT को हम खोल लेते हैं, UMT डोंगल हम यूज़ करेंगे। UMT को हमने लगा दिया है और बहुत ही इजी तरीके से अब UMT का हमें क्यूसी फायर खोलना है। क्यूसी फायर को ओपन करेंगे और जब तक ओपन हो रहा है तब तक फ्रेंड्स हम फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें एक ट्विज़र चाहिए होगा, तो एक ट्विज़र की सहायता से हम इस फ़ोन को रख लेते हैं। अब ये डाटा केबल इन करते हैं, तो ट्विज़र को टच करेंगे और यूएसबी केबल इन करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे टच कर दिया हूँ, डिवाइस मैनेजर को भी साइड में खोल के रखें, जिससे हमारा ये पता चलता रहेगा कि हमारा फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो हमारा ये टूल ओपन हो चुका है, अब सिंपली हमें फिर से मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ।
तो ये कनेक्ट हो चुका है प्रॉपरली तरीके से फ्रेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ड्राइवर पोर्ट बना चुका है। मैं इसे साइड लाऊंगा और साइड लाने के बाद फ्रेंड्स आपको सीधे जाना है रीड एंड टूल पे। रीड एंड टूल मैं यहाँ पे जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 6.2 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद आपको जाना है अपना ब्राउडर ले लेना है, सौमी सौमी ले लेना है। वीवो सेलेक्ट हो गया फ्रेंड्स, तो आप सौमी को ले लेंगे। सौमी लेने के बाद अपना मॉडल ले लेंगे रेडमी नोट 8, रेडमी नोट 8 अपना ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडमी नोट 8668 और यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट दिया हुआ है, तो हम रेडमी नोट 8 को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्लियर फ़ोन हमारा कनेक्ट है फ्रेंड। उसके बाद आपको सीधा सिंपली रिसेट FR पे और यहाँ पे ओके को प्रेस कर देना है। UMT बहुत अच्छा एक डोंगल है कॉलकम के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। देखिए यहाँ पे हमारा लोडर ड्राइवर हमारा पोर्ट बना चुका है फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करके लाइव दिखा रहा हूँ। कोई भी फेक वीडियो नहीं है, हम जो बनाते हैं एकदम क्लियर कट वीडियो बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ है SMD665 CPU लगा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा लोडर कनेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे लोडर नहीं होता तो एरर आ जाता फ्रेंड्स, और कोई भी एरर नहीं आया। तो देख सकते हैं रेडमी नोट 8 और सौमी और इसके FRP डन हो चुकी है, फिनिश जॉब डन हो चुका है। तो ये फ़ोन हमारा लगा ही हुआ है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ डाटा केबल से, ये हमारा फ़ोन लगा ही हुआ है। अब हम डाटा केबल को निकालेंगे और डाटा केबल को निकालने के बाद इसकी बैटरी को इन करेंगे और उसके बाद फ़ोन को हम ऑन करेंगे। ये मैं आपके सामने लाइव भी दिखा रहा हूँ और जिससे कि आपको पता चलेगा फ्रेंड्स की। देखिए तो मैं ये आपको इसी कैमरे में दिखाऊंगा कि ये इसकी FRP रिमूव हुई कि नहीं हुई फ्रेंड, तो मैं आपको अदरवाइज फ़ोन में नहीं दिखाऊंगा। अब मैं आपको लाइव ही करके दिखाया करूंगा कि ये हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं अभी लाइव ही आपके करके दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे ही हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ फ्रेंड देख सकते हैं, तो मैंने इसको डाटा केबल से निकाला है, बैटरी को इन किया है और वापस से इस फ़ोन को हमने लगा दिया है। तो चलिए, तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मेरे को थोड़ी सी क्रॉस होना पड़ेगा, जिससे कि आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। लास्ट का स्टेज देखना है, पर आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको करके दिखा रहा हूँ लाइव फ्रेंड्स। स्किप अगेन, यहाँ पे मोर एक्सेप्ट और लाइव भी करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सही है या फेक है या रियलिटी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ मैं आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि आप देख सकते हैं। कोई भी इसके वीडियो मैं अपने चैनल में नहीं डालता हूँ, जैसा कि मैं आपको बता दूँ। तो जस्ट सेकेंड यहाँ पर आपका बोल रहा है, तो बस देखते हैं लाइव। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगेन नेक्स्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। अब ये फाइनली हमारा आ चुका है कि अगर ये FRP पे होगा फिर से, अगर FRP रिमूव नहीं हुआ होगा तो ये वापस स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड अगर ये FRP ख़त्म हो गया होगा तो फाइनली ये हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट करते हैं, सेटअप कंप्लीट और ये जॉब डन हो चुका है, जो कि मैं आपके सामने ही लाइव यहाँ पे करके दिखाया फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। देख सकते हैं फाइनली ये फ़ोन लाइव ही मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने टेक्नीशियन भाइयों से। तो आप देख सकते हैं लाइव ही ये वही फ़ोन है जो कि हमने इसका एडल टेस्ट पॉइंट यहाँ पर टच किया था और ये फाइनली हमारा अनलॉक हो चुका है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड। फाइनली इसमें एक छोटा सा अपडेट मैं और देना चाहूँगा आपको कि आप यहाँ से फ्रेंड इसकी बहुत ही ईजी तरीके से, जैसा कि हमने देखा ही था कि मैंने बताया था MI अकाउंट भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। FRP के लिए आप डायरेक्ट अपना ब्रांड और मॉडल सेट करेंगे और रिसेट FRP पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद आप सौमी स्पेशल में जाएंगे और रिसेट MI अकाउंट को करेंगे, ओके करेंगे। और जो ये फ़ोन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड, जो आपको ये फ़ोन है फाइनली ठीक है। तो ये फ़ोन जो है फ्रेंड्स, आप सिंपली इसी फ़ोन को Redmi Note 8 को यहाँ से आपको जाना है और यहाँ पे रिसेट MI अकाउंट करेंगे
तो आपका यहाँ से MI काउंट भी रिमूव हो जाएगा और आप यहाँ से जाने के बाद FRP भी बहुत ईजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।